हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैंगो आइसक्रीम की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, एकदम मज़ेदार रेसिपी। तो दोस्तों, इस आइसक्रीम को हम बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना मिल्क पाउडर, इसको हम केवल एक कप दूध से बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम एक आम का यूज़ करेंगे। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले अब गैस पर रख दिया मैंने एक पैन, इसमें डाला मैंने एक कप दूध, और इस दूध में हमें एक अच्छा सा उबाल लाना है और इसी तरह हमें इसको चलाते हुए पकाते जाना है। तो इस पर जो क्रीम वगैरह या फिर मलाई वगैरह लगी है, इसको हमें हटा लेना है। तो दोस्तों, जब तक हमारे दूध में उबाल आता है, तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में लिया है 3 टेबल स्पून के करीबन दूध, ये रूम टेम्परेचर है। अब इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून कस्टर्ड का पाउडर। तो इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं, जो हमारा दूध है उसमें भी एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं, इस तरह दूध में उबाल आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर। तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो गैस के फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब इसको हम इसी तरह चलाते हुए लगातार इसको कुक करते रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बदल गई है, एकदम गाढ़ा हो गया है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसको इसी तरह 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है। तो इसको पक जाने के बाद अच्छे से इसमें डालूंगा मैं 1/3 कप चीनी। फिर चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो अब इसको चीनी को घुलने तक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, यानी इसे अच्छे चलाते हुए पका लूँगा। तो इसी तरह हम इसको लगातार चलाते रहना है। तो दोस्तों, चीनी जो है अच्छे से घुल चुकी है, ये अच्छे से पक चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसी तरह कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पका लेना है। और अब गैस की फ्लेम को हमें कर देना है बंद। और इसके जो किनारों पर क्रीम लेके यहाँ पे जो कस्टर्ड मिक्सचर लगा हुआ है, इसको हम हटा लेंगे। तो गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर जो है ठंडा होता है, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आम लिया है। आप देख सकते हैं, इस आम की हम आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये अच्छे से पका हुआ आम है। तो अब इस आम को सबसे पहले मैं पील कर लूँगा, यानी जो इसका छिलका है ऊपर का, इसको हटा लूँगा। तो आम का जो छिलका है वो मैंने हटा लिया, आप देख सकते हैं। अब इसका जो ऊपर का पल्प है, इसको मैं सारा का सारा पल्प निकाल कर प्लेट में डाल दूँगा। तो इस तरह मैं चाकू से इसका पल्प जो है काट लूँगा और निकाल दूँगा। तो गुठली से मैंने लगभग पल्प निकाल लिया है। अब इस गुठली को हम हाथों से इस तरह दबा देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा रस है जो इसमें लगा हुआ है वो भी निकल जाए। तो इसका सारा का सारा पल्प मैंने निकाल लिया है, अभी गुठली बची है, अब इसको आप फेंक सकते हैं। तो उससे पल्प को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो जब जो पल्प निकला था उसको हम एक मिक्सिंग जार में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जार ले लिया है। तो सारा का सारा पल्प जो है आम का, इसको हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। तो अब जो कस्टर्ड का मिक्सर हमने बनाया था, उसको भी हमने ठंडा कर लिया है लगभग आधा घंटे के लिए। आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बदल गई है, अभी गाढ़ा हो गया है और भी। तो इसको भी हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे मैंगो के साथ। तो अब इन दोनों को हम बंद करके, यानी ढक्कन लगाकर, इसको मैं लगभग 30-40 सेकंड के लिए इसी तरह चलाते हुए पीस लूँगा। तो इसको मैंने लगभग 30 सेकंड के लिए पीस लिया है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की हो गई है। तो अब इसको हम रख देंगे साइड में। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे आइसक्रीम बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे लिया है मैंने एक बड़ा सा बाउल, इसमें डालूंगा मैं 1.5 कप व्हीपिंग क्रीम। तो ये वही व्हीपिंग क्रीम है जो हम केक में यूज़ करते हैं। तो 1.5 कप हमें इसमें डाल देनी है बाउल के अंदर। तो अब इसको हम बीटर की सहायता से अच्छे से बीट कर लेंगे, यानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसको हमें लगातार बीट करते जाना है लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको मैंने लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट कर लिया है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की हो जाइए।
तो केक से जब हम केक के लिए व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते हैं तो उससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है, तो बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं मैंगो कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया था। तो सारा सारा मिक्सचर हमें इसके अंदर डाल देना है। तो इसमें डालूंगा मैं 1/4 टीस्पून मैंगो फूड कलर, तो आपको ये मार्केट में या फिर ऑनलाइन शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें मैं डालूंगा लगभग 1/4 टीस्पून। तो बीटर की सहायता से मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो लगभग 30 से 40 सेकंड में आराम से मिक्स हो जाएगा। तो इसको कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स। तो अब स्पैचुला की सहायता से मैं इनको इकट्ठा कर लूँगा और इसको अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर दूँगा, क्योंकि बीटर की सहायता से जब हम इसको मिक्स करते हैं तो कई बार इसमें सफ़ेद सफ़ेद रह जाते हैं पार्ट। तो अब इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। आप देख सकते हैं कितना शाइनिंग लग रहा है हमारा मिक्सचर। तो अब मिक्सर को हमने कर लिया रेडी। तो अब इसको हम फ्रीजर में रख देंगे लगभग 2 घंटे के लिए इसी तरह। तो 2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये ऊपर से यानी और हल्का हल्का ये बन चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह। तो अब बीटर की सहायता से मैं इसको फिर से बीट करूँगा लगभग 2 मिनट के लिए। तो इसी तरह मैं इसको हाई स्पीड पर बीट कर लूँगा। आप चाहें तो ये काम विस्कर से भी कर सकते हैं, पर विस्कर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस इसी तरह मैं इसको बीट करते जाऊंगा जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो अच्छे से क्रीमी ना हो जाए। तो दोस्तों इसको मैंने लगातार 2 मिनट के लिए बीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो गई है, पूरी बदल गई है इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब फिर से स्पैचुला की सहायता से इस पर जो किनारों पर लग गई है क्रीम उसको मैं इकट्ठा कर लूँगा बीच में। तो दोस्तों हमारा जो मिक्सर है आइसक्रीम के लिए रेडी हो चुका है। तो अब आइसक्रीम जमाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक बॉक्स लिया है, ये भी आइसक्रीम का ही बॉक्स है जो कि हम मार्केट से लेके आए थे। तो अब इसके अंदर मैं आइसक्रीम का जो मिक्सर हमने बनाया है उसको हम भर देंगे इस तरह। तो सारा सारा मिक्सर जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जितना आता है ऊपर तक हम इसको भर देना है। तो दोस्तों अगर इसमें बैटर या फिर मिक्सर जो है बच जाए तो आप इसे किसी कप में जमा सकते हैं। तो इसको मैं इस स्पैचुला की सहायता से फैला दूंगा थोड़ा, और इसको मैं 3-6 बार इस तरह टैप कर लूँगा ताकि ये आराम से चारों तरफ फैल जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्रीम या फिर हमारा जो मिक्सर है वो अच्छे से फैल चुका है चारों तरफ। तो अब इसको हम कर देंगे क्लीन रैप, यानी जो क्लीन रैप आता है उससे हम इसको कवर कर देंगे। तो इसको मैंने कवर कर दिया है। अब इसको हम फ्रीजर में रख देंगे लगभग 8 से 10 घंटे के लिए या फिर पूरी रात भर। तो लगभग मैंने इसको रात भर 10 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। और ये हमारी आइसक्रीम जो है रेडी हो चुकी है अब सर्व करने के लिए। इसको जो क्लीन रैप है इसको हम हटा लेंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इस आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ नहीं जमा है। तो ये जो होल्स है थोड़े बहुत रह गए थे पन्नी के कारण यानी क्लीन रैप के कारण। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर की सहायता से मैं इस आइसक्रीम को निकाल लूँगा। तो आप यहाँ पे आइसक्रीम को निकालने के लिए चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी आ रहा है और कितनी आसानी से आइसक्रीम निकल चुकी है। बहुत ही क्रीमी एकदम सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम जो है बनकर तैयार हुई है। तो इसको मैं सर्व कर दूँगा। तो अब मैं आपको फिर से निकाल कर दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत ही हमारी टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको और आपकी फैमिली को। दोस्तों इसको मैंने आइसिंग यानी इसको मैंने आइसक्रीम बाउल में सर्व कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगा थोड़े से पिस्ता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं आइसक्रीम को थोड़ा सा निकाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।